स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि हर रविवार की रात को, हर संडे की रात को YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर टेल नाइट्स कैटेगरी में मिस्टीरियस वीडियो आती है। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत के हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर की। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़गांव की डरावनी और सच्ची भूतहा घटनाओं की। आप सब जानते ही हैं कि महानगर दिल्ली से सटा गुड़गांव शहर भारत के बड़े शहरों में से एक है। इस शहर के बारे में कुछ ऐसी खौफनाक और रहस्यमय भूतहा बातें हैं जो एक से अधिक बार लोगों के साथ घटित हो चुकी है। ये कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन लोग जो लोग इन बारे में जानते हैं, इन बातों के बारे में जानते हैं, वही इनकी भयावहता को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में गुड़गांव शहर में घटित हुई डरावनी और सच्ची कहानियों को पेश किया गया है। इन कहानियों को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली कहानी है MG रोड की। गुड़गांव शहर का MG रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयावह रोड है। इस सड़क पर ड्राइव करने वालों का मानना है कि उन्होंने कई बार इस सड़क पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है। ये औरत गाड़ियों के साथ भागती है और इसकी जीभ लगभग 1 मीटर लंबी है और इसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। कहते हैं कि इस औरत की मौत कुछ साल पहले इसी एरिया में हुई थी। हमारी दूसरी कहानी है सैफरन बीबीओ गुड़गांव की। कब्रिस्तान के ऊपर बना गुड़गांव का सैफरन कॉल सेंटर यानी कि BPO गुड़गांव की सबसे ज्यादा भूतहा जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस BPO में रोज नाम की एक मेहनती लड़की काम करती थी। यह लड़की कई महीनों तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतती रही थी। एक दिन अचानक फोन पर बहुत लंबी बातचीत करने के बाद इस लड़की ने लंबी छुट्टी ले ली और फिर आश्चर्यजनक रूप से वो इन छुट्टियों को बढ़ाती चली गई। उसके सहकर्मियों ने उसके मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वहां इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी। बहुत खोजबीन के बाद उसके परिवार को ढूंढा गया। उन्होंने बताया कि रोज 8 साल पहले मर चुकी थी। रोज के दोस्त और सहकर्मी महीनों तक सदमे और दहशत की स्थिति में बने रहे और अभी तक रोज का राज कायम है। हमारी तीसरी कहानी है अशोक विहार फ्लाईओवर की। गुड़गांव के अशोक विहार फ्लाईओवर पर रात के 1 बजे से 4 बजे तक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत मिलती है जो आने जाने वाले गाड़ी के चालकों से रास्ता पूछती है। कोई ड्राइवर अगर उस औरत के पास रास्ता बताने के लिए गाड़ी रोकता है तो अजीब ढंग से उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने लगते हैं और गाड़ी गोल गोल घूमती रहती है। अगर आप रात को इस फ्लाईओवर पर सफेद साड़ी पहने हुए किसी औरत को देखें तो भाग लें, इसी में आपकी भलाई है। हमारी चौथी कहानी है सेक्टर 7 गुड़गांव की। गुड़गांव के सेक्टर 7 में अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर को भूतहा समझा जाता है। इस अपार्टमेंट के आसपास रहने वालों को रात के समय बाथरूम में नल और शावर के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। खासकर इस घर में रहने वालों के साथ तो और भी बुरा अनुभव सुनने में आया है। यहाँ रहने वालों को बुरे सपने आते हैं और मानसिक परेशानियों के अलावा कुछ साए भी नजर आते हैं। कहा जाता है कि इस फ्लैट के बाथरूम में कई वर्ष पहले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये अपार्टमेंट भूतहा बन गया। चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की ओर, जो है सेक्टर 56 गुड़गांव की। यहाँ की रहने वाली पूजा सिंह ने बताया कि जब उनका परिवार इस सेक्टर के अपार्टमेंट में रहने के लिए आया तो उनको पहले दिन से ही अपार्टमेंट में असाधारण गतिविधियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आधी रात को दरवाजा खटखटाना और लाइट्स का अपने आप जलना बुझना। हद तो तब हुई जब घर में एक रिमोट से चलने वाली बड़ी कार अपने आप चलने लगी और बेकाबू हो गई। इसके बाद उन्होंने फ्लैट बदलने में ही भलाई समझी। चलते हैं अपनी 6ठी कहानी की ओर, जो है सेक्टर 15 गुड़गांव की। सर्दियों में धुंध भरी रात के समय में गुड़गांव के सेक्टर 15 के रोड पर न चलने की सलाह दी जाती है।
इन हादसों की वजह वहां पर रात को चलने वाली एक घोस्ट कार है जो अत्यधिक तेजी से आपके समीप से गुजरती है। अधिकतर जोशीले लोग इस कार का पीछा करते हैं और अंत में एक बैरिकेड से टकरा जाते हैं, जबकि वह कार दूर दूर तक नजर नहीं आती है। चलते हैं आज की आखिरी और सातवीं कहानी की ओर, जो है साइबर सिटी गुड़गांव की। गुड़गांव की साइबर सिटी के पास बन रहे एक स्कूल के मालिकों को निर्माण सामग्री की निगरानी के लिए चौकीदार ढूंढने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ रात के समय पुरुष, स्त्री या बच्चों की दर्द और पीड़ा में रोने की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन ढूंढने पर यहाँ कोई नहीं मिलता था। सुबह होते ही सभी चौकीदार ऐसे सरपट भागे कि अपनी दिहाड़ी लेना भी भूल गए। इस समस्या से निपटने के लिए स्कूल में पूजा रखवाई गई, तो अब ये मामला कुछ शांत है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। इस चैनल के साथ अभी जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।